नमस्कार दोस्तों, आज हम शनिवार वाड़ा की रोमांचक कहानियों की खोज करेंगे, जो पुणे महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक किला है। इस प्रतिष्ठित स्थान का इतिहास 18वीं सदी से जुड़ा हुआ है और यह अपनी वास्तुशिल्पीय भव्यता और इसके आसपास की दिलचस्प कहानियों के लिए जाना जाता है। शनिवार वाड़ा का निर्माण 1732 में मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा किया गया था। यह किला पेशवाओं का मुख्यालय था और 19वीं सदी की शुरुआत तक यहाँ उनकी सत्ता रही। मूल रूप से इस किले में 7 मंजिला संरचना थी, लेकिन 1828 में एक आग ने इसका अधिकांश हिस्सा नष्ट कर दिया। कहते हैं कि शनिवार वाड़ा में भूतों का साया है और कई लोगों ने रात में अजीब आवाजें सुनने की रिपोर्ट की है। इस स्थान से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध भूतिया कहानी युवा राजकुमार नारायण राव की है, जिन्हें इस किले के अंदर बहरहमी से मार दिया गया था। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात में उनकी मदद के लिए चीखे काका माला वाचवा, यानी चाचा मुझे बचाओ, किले में गूंजती है। शनिवार वाड़ा के इतिहास, वास्तुकला और रहस्यमय कहानियों में और गहराई से जाने के लिए बने रहिए। शनिवार वाड़ा किला 1732 में बाजीराव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। इस किले के इतिहास में सबसे भयानक घटना 1773 में घटी, जब नारायण राव पेशवा की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि नारायण राव के चाचा राघोवा और चाची आनंदीबाई ने षड्यंत्र रचा और नारायण राव की हत्या के लिए अपने आदमियों को भेजा। जब नारायण राव मदद के लिए चिल्ला रहे थे, तब उनके अंतिम शब्द थे, काका माला वासवा, काका माला वासवा, मतलब चाचा मुझे बचाओ। ये शब्द वो अपने आखिरी सांस तक चिल्लाते रहे, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें बचाने कोई नहीं आया। उनकी मौत के बाद उनके शरीर के टुकड़ों को काटकर पास की नदी में फेंक दिया गया, जिसकी वजह से उनकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिल पाई और वो आज भी शनिवार वाड़ा किले में भटकती है और इसलिए आज भी लोग वहां जाने से कतराते हैं। आज भी लोगों का मानना है कि इस किले के अंदर नारायण राव की आत्मा भटकती है और रात के समय उनके चिल्लाने की आवाजें सुनी जा सकती है। स्थानीय लोग इस जगह से रात के समय जाने से बचते हैं और इसे एक डरावनी जगह मानते हैं। इसी के साथ 2017 में पुणे में एक व्यापारी के साथ घटी घटना की कहानी है। पुणे का एक व्यापारी जो शनिवार वाड़ा किले के पास एक पुरानी संपत्ति खरीदने के बारे में सोच रहा था, उस संपत्ति को लेकर उसे काफी उत्सुकता थी, क्योंकि वह उसे एक छोटे होटल में बदलना चाहता था जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके। उस व्यापारी ने संपत्ति के बारे में अधिक जानने के लिए और उसके इतिहास को समझने के लिए कुछ समय के लिए उस क्षेत्र में रहने का फैसला किया। एक दिन उसने फैसला किया कि वह रात के समय शनिवार वाड़ा किले के पास घूमेगा और उस क्षेत्र का अनुभव करेगा। जब वो उस किले के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि वहाँ की हवा में कुछ अजीब था। किला देखने में हमेशा की तरह ही था, लेकिन उसे अचानक एक असामान्य ठंडक महसूस हुई। रात को लगभग 11 बजे के आसपास जब व्यापारी किले के पास से गुजर रहा था, उसने सुना कि किसी ने उसे उसके नाम से पुकारा। वो चौंक गया क्योंकि वहाँ कोई और नहीं था जिसे वो जानता हो। फिर उसने देखा कि किले के अंदर से एक धुंधली सी आकृति उसे देख रही थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अब उसे डर महसूस हुआ और उसने तुरंत वहाँ से भागने का निर्णय लिया। इस अनुभव के बाद व्यापारी ने यह संपत्ति खरीदने का विचार छोड़ दिया। उसने अपने दोस्तों और परिवार को इस घटना के बारे में बताया, जिन्होंने उसे सलाह दी कि इस तरह के रहस्यमय स्थानों से दूर ही रहें। ये कहानी उन कहानियों में से एक है जो शनिवार वाड़ा किले की रहस्यमयता और वहां घटित होने वाली अजीब घटनाओं को दर्शाती है। व्यापारी की इस घटना को जानने के बाद आइए जाने एक और दिलचस्प घटना के बारे में। एक और प्रसिद्ध कहानी शनिवार वाड़ा किले की है, जो एक स्थानीय निवासी के अनुभव पर आधारित है। शनिवार वाड़ा किले में एक नाइट गार्ड था जिसका नाम रमेश था। उसकी ड्यूटी थी रात के समय किले की निगरानी करना। एक रात जब वह अपनी ड्यूटी पर था तो उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। रमेश ने सोचा कि शायद कोई किला घूमने आया होगा और खो गया होगा। जब वो उस दिशा में गया तो वहां से आवाज आ रही थी, तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसे धोखा हो गया है और वो वापस अपनी जगह लौट आया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने फिर से वही रोने की आवाजें सुनी, इस बार और भी स्पष्ट। रमेश ने हिम्मत जुटाई
और दोबारा उस दिशा में गया। जैसे ही वह किले के पास एक खास कोने में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक धुंधली आकृति है जो एक छोटे बच्चे की थी। वह आकृति रो रही थी और उसकी आवाज मुझे बचाओ जैसे कुछ कह रही थी। रमेश पूरी तरह से डर गया और तुरंत किले से बाहर भाग आया। अगले दिन उसने अपने इस अनुभव के बारे में अन्य गार्ड्स और स्थानीय लोगों को बताया। उन्हें पता चला कि यह स्थान वही है जहां नारायण राव पेशवा की हत्या की गई थी। उसके बाद रमेश ने यह निर्णय लिया कि वह कभी भी रात की ड्यूटी पर नहीं जाएगा। यह कहानी शनिवार वाड़ा किले की रहस्यमयता को और भी गहरा बनाती है। इस तरह की कहानियाँ और अनुभव इस किले को एक रहस्यमय और भूतिया स्थल बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारी आने वाली नई रोमांचक कहानियाँ मिस ना करें।